बिमेमर वहीम एया कना अब्दुआया कनस्तिन इस्लामी वजीफ़े चैनल देखने वाले तमाम नाजरन को मेरी तरफ़ से असलम इस वीडियो में जो नुस्ख़ा आपके लिए लेके आया हूँ वो मेरे प्यारे बहन भाई जिनके चेहरे पर कील दाग दबे छाइयाँ वगैरह नुमायाँ नज़र आती हैं इन शुस्े से आपकी ये परेशानी मकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी इसलिए तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और सही तरीके से समझ कर इस नुस्ख़े पर अमल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये एक आजमूदा नुस्खा है और इन चंद ही दिन के अंदर अंदर आपका चेहरा फूल की मानत खिल उठेगा सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे चेहरों पर दाग डब्बे छाइया कील वगैरह क्यों निकलते हैं इसकी दो अहम वजह है जो कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं सबसे बड़ी वजह तो यह है कि मैदे की ख़राबी की वजह से चेहरे पर पिंपल वगैरह काफ़ी हद तक निकल आते हैं जो कि बाज़ार के खाने की वजह से हमारे मैदे को डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से अक्सर चेहरों पर कील वगैरह निकल आते हैं और छाइयाँ नुमायाँ नज़र आती हैं और दूसरी वजह ये है कि अक्सर बहन भाइयों की जो जिल्त होती है वो ऑयली होती है इसकी वजह से भी चेहरे पर पिंपल्स वग़ैरह और छाइयाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो काम करना है वो तो है एक्सरसाइज एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और जितनी मनासब हो सके डेली बेसिस पर आपने एक्सरसाइज़ को ज़रूर करना है और दूसरा कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें बाज़ार के खाने से परहेज़ करें और कच्ची सब्जियां वग़ैरह जितनी हो सकें उतनी खाएं और पानी कम से कम एक दिन में अढ़ाई से तीन लीटर पानी ज़रूर पिया करें इन इससे भी आपकी चेहरे की जो खूबसूरती है वो दुबारा हो जाएगी नुस्खा क्या है वो गौर से सुन लीजिएगा लेकिन उससे पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके तो सबसे पहले आपने एक लेमन का टुकड़ा ले लेना है उसको हाफ कट करके चेहरे पर आपने अच्छी तरह आस्ता आस्ता मसाज करनी है याद रखें इस मसाज को सिर्फ 25 से 30 सेकंड के लिए करना है अगर दुरानियाँ बढ़ाएंगे तो चेहरे पर ज़ख़म होने के खदशात पैदा हो सकते हैं इसके बाद आपने कोई सी भी टूथपेस्ट ले लेनी है और बहुत थोड़ी सी मकदार में चेहरे पर अप्लाई करना है और इसको तकरीबन चार से पाँच मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें और बाद में अच्छी तरह आराम आराम से इसको मसाज करें चेहरे पर लगी हुई टूथपेस्ट को और उसके बाद आपने फिर दो से तीन मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और बाद में पानी के साथ अच्छे कोई भी अच्छा फेस वाश ले लें उसके साथ चेहरे को धोएं और याद रखें कि चेहरे पर साबुन हरगज इस्तेमाल ना करें साबुन में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो चेहरे की जल्द को डैमेज करते हैं और चेहरे की जो खूबसूरती और नुरानियत होती है उसमें कमी का बायस बनते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि चंद ही मिनट बाद नमाया फ़र्क आपके चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाएगा आपका चेहरा चाँद की मानन खिल उठेगा ये नुक़स मेरे भाई और बहन दोनों इसी तरीके से करें इन शाह चंद ही दिनों में देखेंगे कि आपके चेहरे पर जितने भी कील महाशे शाइयाँ दूर हो चुकी हैं और आपका चेहरा एक चाँद की मानन खिल उठा है और ख़ूबसूरती में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है क्योंकि दोस्तों खूबसूरत लगना हर बंदे और हर बंदी को पसंद है और यकीन अगर हम कुदरती नुख्सों पर अमल करें तो बजाय डॉक्टरों के पास जाकर पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि आप इस इन नुसों पर अमल ज़रूर किया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस नुखे से जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो आप अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे